बॉक्सर विजेंदर कुमार जब से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आए हैं तब से उनके विरोधियों को काफी टेंशन होने लगी है और उनके विरोधी टेंशन में आकर कई बार उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। वैसे पेशेवर मुक्केबाजी में विरोधी को नीचा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विजेंदर सिंह के WBO एशिया पैसिफिक के चैलेंजर तंजानिया के फ्रांसिस चेका ने विजेंदर की सबसे अहम उपलब्धि पर ही निशाना साधा है। चेका ने इस खेल में भारत के पहले ओलंपिक पदक को कोई अहमियत नहीं दी। मुकाबले से पहले फेस ऑफ के दौरान उन्होंने विजेंदर पर कई शाब्दिक बाण चलाए। चेका ने अपने ट्रांसलेटर के जरिए कहा, विजेंदर का ओलंपिक मेडल कुछ भी नहीं है, मैं विश्व चैंपियन और अंतर महाद्वीपीय चैंपियन हूँ। विजेंदर को 17 दिसंबर को पता चल जाएगा कि मैं क्यों विश्व चैंपियन हूँ। मुझे भारत के लिए दुख है कि उसने विजेंदर से लड़ने के लिए मुझे चुना। विजेंदर पहले ही डरा हुआ लग रहा है। इस दौरान विजेंदर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी जा सकती थी। तंजानिया के इस बड़बोले मुक्केबाज ने विदेशी सरजमी पर अपने सभी मुकाबले गंवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद विजेंदर ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। विजेंदर ने कहा, 17 दिसंबर की रात को पता चलेगा कि मैंने और ली बेयर्ड ने कैसी ट्रेनिंग की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मैं 110% तैयार हूँ। मैं उसे दिखाऊंगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। फाइट के प्रमोटर IOS के नीरव तोमर ने कहा कि चैलेंजर कोई भी बन सकता है और विजेंदर को हर 6 महीने में अपने खिताब का बचाव करना होगा, और अगर वो हार जाता है तो उससे WBO सुपर मिडलवेट टाइटल छिन जाएगा। विजेंदर के मुकाबले के दिन 5 अंडरकार्ड मुकाबले भी होंगे। ओलंपियन अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार हालांकि इसका हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्हें हरियाणा पुलिस से मंजूरी नहीं मिली है।